नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के न्यूज मित्र हैं, उनका स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्य पे सत्ता, यानी सात खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सत्ता में सबसे पहले बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की। सवाल है, क्या 2024 के चुनाव से पहले एक देश एक विधान लागू हो जाएगा? क्या पीएम मोदी का यह दाव 15 दलों की एकता पर भारी पड़ेगा? और इससे मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वालों को क्यों मिर्ची लगेगी? ऐसे तमाम सवालों पर हमने खास कुंजी तैयार की है। मध्य प्रदेश में QR कोड वाली लड़ाई और तेज हो गई है। एक तरफ कमलनाथ को करप्शन नाथ बताने वाले पोस्टर हैं, तो दूसरी ओर CM शिवराज पर कैशराज बोलकर तंज कसा जा रहा है। आज सत्ता में हम सियासी QR कोड को डीकोड करने वाले हैं। फिर सत्ता में मौसम के अलर्ट की बात। मानसून की पहली बारिश ने इस साल कई शहरों को डुबो दिया। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हर साल बाढ़ बारिश में देश के करोड़ों रुपए डूब जाते हैं और इस आपदा से निपटने का जापानी मॉडल क्या है। इसे देखकर आप सोचेंगे कि यह मॉडल भारत में क्यों नहीं है। आज पीएम मोदी ने देश को 5 नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी। पीएम ने भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से 5 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें से 3 वंदे भारत ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मोदी ने कहा कि देश के 6 राज्यों को जोड़ने वाली 5 वंदे भारत ट्रेनों को एक साथ हरी झंडी दिखाने का अवसर मिला। दिल्ली के सीएम केजरीवाल CAG जांच के दायरे में आ गए हैं। केजरीवाल के सरकारी बंगले के पुनर्निर्माण का CAG ऑडिट होगा। गृह मंत्रालय की सिफारिश पर CAG ऑडिट होगा। बढ़ती महंगाई के बीच केंद्र सरकार के एक फैसले की जानकारी दे दें। सरकार ने दाल की कीमतों पर ब्रेक लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार अब बफर स्टॉक से अरहर की दाल की बिक्री करने जा रही है। ये बिक्री भारतीय बाजार में अरहर के आयातित स्टॉक आने तक की जाएगी। एक हफ्ते के भीतर अरहर की दाल में 20 से 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। सत्ता के क्रिकेट प्रेमी न्यूज मित्रों के लिए अच्छी खबर। भारत में इस साल होने वाले ICC मेंस वनडे वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान हो चुका है। 5 अक्टूबर से वर्ल्ड कप का आगाज होगा। भारत का पहला मैच 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में होगा। 15 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान का मुकाबला अहमदाबाद में होगा। 19 नवंबर को फाइनल मैच खेला जाएगा। पहली बार भारत की मेजबानी में वर्ल्ड कप का आयोजन हो रहा है। तो आपको याद होगा, अब से करीब 96 घंटे पहले पटना में 15 सियासी दलों ने मिलकर मोदी हराओ योजना लॉन्च की थी। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में थे, लेकिन आज पीएम ने चुन चुन कर हिसाब लिया और सिर्फ 400 सेकंड में 2024 का ऐसा एजेंडा सेट किया जिसने विपक्षी एकता को और उलझा दिया होगा। आज पीएम मोदी ने विरोधियों के पाले में ऐसी गेंद उछाली जिसे वो रोकेंगे तो भी दिक्कत और नहीं रोकेंगे तो भी फंसेंगे। इस दाव का नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल से 5 वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई, लेकिन आज वो विपक्ष के लिए एक रेड कार्ड लेकर भी पहुंचे। आज पीएम मोदी की बातों को सुनकर एक सवाल यह भी उठा है कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड 2024 से पहले लागू हो जाएगा? क्या 2024 से पहले भारत एक देश एक कानून वाले सिस्टम से चलेगा? और इस सवाल की वजह है प्रधानमंत्री मोदी का कमिटमेंट, क्योंकि इससे पहले ऐसे कई बड़े मुद्दे रहे हैं जिन्हें पीएम मोदी ने सोचा और पूरा करके दिखाया। पीएम का ऐसा ही एक कमिटमेंट मुस्लिम महिलाओं से था, 3 तलाक को खत्म करने को लेकर। पीएम की इच्छा शक्ति की वजह से 1 अगस्त 2019 से 3 तलाक असंवैधानिक करार हो गया। इसी तरीके से अनुच्छेद 370, जिसने एक बहुत लंबे समय तक कश्मीर को कैद वाली जंजीरों में रखा हुआ था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को ये जंजीरें टूट गई। इसी तरीके से राम मंदिर, जो हमेशा ही BJP के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा, 9 नवंबर 2019 को अयोध्या में राम मंदिर का रास्ता भी साफ हो गया। इसलिए सवाल है, क्या अब प्रधानमंत्री मोदी UCC की तैयारी कर चुके हैं? क्या 2024 से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू हो सकता है? आज हमने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के वो 400 सेकंड निकाले हैं जिन्हें सुनकर आज बहुत सारे नेताओं को मिर्ची लग जाएगी। मुस्लिम समुदाय के स्वयंभू ठेकेदारों को अंदरूनी चोटें आई हैं। हमने पीएम के इस बयान से कुछ कीवर्ड्स भी निकाले हैं जो मोदी विरोधियों को विचलित कर सकते हैं। इसका पहला कीवर्ड है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिस पर पीएम ने पूछा, एक घर के अंदर 2 कानून कैसे चल सकते हैं? पीएम ने कहा, वोट बैंक के भूखे कुछ लोग यूसीसी को लेकर गलत बातें फैला रहे हैं। पीएम के भाषण का दूसरा कीवर्ड था पसमांदा मुसलमान, जिन पर पीएम ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल मुस्लिम मुस्लिम की रट लगाए रहते हैं, लेकिन वो लोग पसमांदा मुस्लिमों को नीचा और अछूत समझते हैं। तीसरा कीवर्ड था
तीन तलाक, जिस पर आज पीएम जबरदस्त तैयारी के साथ आए थे। पीएम ने कहा कुछ लोग मुस्लिम बेटियों पर अत्याचार की छूट चाहते हैं, धर्म के नाम पर अपने एजेंडे थोप रहे हैं, लेकिन अगर तीन तलाक का संबंध इस्लाम से होता तो मुस्लिम देश इसे बैन क्यों करते। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पटना में विपक्ष के एक्सपो 2024 पर सवाल उठाए और कहा कि विपक्षी दलों को मिला लें तो ये 20,000 करोड़ के घोटाले की गारंटी। इसके बाद पीएम ने परिवारवाद के नाम पर एक विपक्षी दल की क्लास भी लगाई। लेकिन सबसे पहले सुनिए वो बात जिसे इस वक्त कई विपक्षी दल के नेता घुमा घुमा कर सुन रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आज पीएम मोदी के तेवर देखने वाले थे और ये क्या और कैसे तेवर थे, एक छोटी सी रील में देखिए। कल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। तो प्रधानमंत्री मोदी के बयान से आज कुछ लोगों को बहुत जोर से दर्द हुआ है और ये दर्द उनकी बातों में दिखाई भी दे रहा है। लेकिन उनके बयानों के आधार पर अपना मत बनाने से पहले आपको कॉमन सिविल कोड के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपके लिए आज हमने सबसे आसान भाषा में यूनिफॉर्म सिविल कोड को डिकोड किया है। सत्ता की पहली कुंजी में समझिए यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या बदलेगा। इससे सभी नागरिकों के लिए कानून एक समान होंगे। शादी, तलाक या उत्तराधिकार के मामले में एक कानून लागू होगा। यूसीसी लागू होने के बाद अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ खत्म हो जाएंगे, मतलब यूसीसी एक देश और एक कानून का रोड मैप है। अब सत्ता की दूसरी कुंजी देखिए। दरअसल इस वक्त देश में दो तरीके के लॉ हैं, एक है क्रिमिनल लॉ और दूसरा है सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ अपराध से जुड़े मामलों में लगता है और ये हर धर्म के शख्स के लिए एक ही होता है, लेकिन सिविल लॉ के मामलों में कुछ धर्मों ने अपना अपना कानून बना लिया है। अब यूसीसी के लागू होने के बाद वो सारे कानून खत्म हो जाएंगे और फिर सभी धर्मों पर एक ही कानून लागू होगा। अब न्यूज मित्रों के मन में ये सवाल होगा कि सिविल लॉ के मामले कौन से हैं, जैसे शादी और निकाह का मामला, शादी के बाद होने वाले तलाक का मामला, बच्चों को गोद लेना या फिर बच्चों के संरक्षण का मामला, जैसे तलाक के बाद बच्चे किसके साथ रहेंगे, बच्चों की कस्टडी किसे मिलेगी। इसके अलावा उत्तराधिकार और गुजारा भत्ता से जुड़े मामले भी सिविल लॉ में आते हैं। साथ ही किसी की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का बंटवारा कैसे किया जाएगा और अगर कोई व्यक्ति बिना वसीयत लिखे मर जाए तो किसे संपत्ति मिलेगी, ये सारे मामले सिविल लॉ में आते हैं और इन मामलों में कुछ धर्मों ने अपने अपने नियम बनाकर रखे हुए हैं। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से उनके लिए वो डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। लेकिन आपके मन में एक सवाल यह भी होगा कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम सुनकर कुछ लोगों की सांस क्यों फूलने लगती है, आखिर उन्हें किस बात का डर है। तो इसके लिए अब हम सत्ता की एक और कुंजी आपके सामने खोलते हैं। अभी हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोग एक कानून के दायरे में आते हैं, लेकिन मुस्लिम, ईसाई, पारसी और यहूदी धर्म के लोग वो कानून नहीं मानते हैं। इसे समझाने के लिए हमने हिंदू कोर्ट बिल और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तुलना की है, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि आखिर कुछ लोगों को यूसीसी से दिक्कत क्यों है। जैसे शादी की बात करें तो हिंदू धर्म में बिना तलाक के एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते, लेकिन मुस्लिम धर्म में एक नहीं बल्कि चार शादियों की छूट मिली हुई है। हिंदू धर्म में अगर कोई व्यक्ति या महिला दूसरी शादी करता है तो उसे तलाक लेना जरूरी होता है, लेकिन मुस्लिम धर्म में इसकी कोई जरूरत नहीं होती। इसी तरीके से हिंदू कोर्ट बिल के मुताबिक 18 साल से पहले लड़की की शादी अपराध मानी जाती है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में 15 साल की उम्र में भी शादी की छूट होती है। हिंदू कोर्ट बिल के हिसाब से पत्नी तलाक के बाद गुजारा भत्ता मांग सकती है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में इसे लेकर कोई स्पष्ट नियम नहीं है। इसी तरीके से संपत्ति के मामले में यह नियम अलग है।
हिंदू कोड बिल के मुताबिक महिलाओं को संपत्ति में हिस्से का अधिकार है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक इसके नियम अलग हैं। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड से होगा क्या? ये चार शादियों वाली छूट खत्म हो जाएगी। दूसरी शादी के लिए तलाक जरूरी होगा। शादी की उम्र भी बढ़ जाएगी और ऐसे बहुत से बदलाव आ जाएंगे जो कुछ लोगों के गले से नीचे उतरने को तैयार नहीं है, इसलिए इसका विरोध भी हो रहा है। इसी पर हम आपको एक रील भी दिखा देते हैं। भारत के प्रधानमंत्री भारत की डाइवर्सिटी को प्लूरलिज्म को एक प्रॉब्लम समझते हैं, इसीलिए इस तरह की बातें करते रहते हैं। इसीलिए बोलो आर्टिकल 29 भारत के प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आता। प्रधानमंत्री जी ने बड़ा न्याय कर ही दिया है। यूनियन सिविल कोड के बारे में बताया कि भ्रम नहीं होना चाहिए। जहाँ तक जो बहुत गरीब मुस्लिम हैं, तो जो बैकवर्ड मुस्लिम भी हैं उनको भी न्याय दिलाना है, ये बात कही है। मुस्लिम कोड जो है ये मुनासिब नहीं है यहाँ से, क्योंकि मुसलमान जो है इसको कभी तस्लीम नहीं करना। नरेंद्र मोदी जी ने देश के विकास की बात, तीन तलाक को समाप्त करने की हिम्मत की बात, कैसे तुष्टिकरण की जगह संतुष्टिकरण की राजनीति वो कर रहे हैं, क्यों देश में अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है। देश है कि इसको चुनाव का मुद्दा बनाया जाए, 2024 में लोकसभा में बनाएंगे इसको मुद्दा, अभी जो 5 राज्यों में चुनाव है वहाँ इसको मुद्दा बनाएंगे, तो ये बहुत सीरियस है इस इशू को लेकर मुझे नहीं लगता है। तमाम लोगों ने केवल और केवल मुसलमानों को गुमराह रखने का काम किया, मुसलमानों का वोट लेकर सत्ता में आकर अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने का काम किया, लेकिन कभी भी मुसलमानों के लिए ठोस काम इन्होंने नहीं किया। आज हमारे प्रधानमंत्री सही मायने में मुस्लिम समाज के विकास के लिए ठोस काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की ज्यादातर क्या सभी लोग उनकी बात से सहमत होंगे, क्योंकि मुसलमान जहां यूसीसी की बात आती है, जनसंख्या की बात, नियंत्रण की बात आती है, उसको वो अपने ऊपर लेना शुरू कर देता है, जबकि ये खाली एक कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये तमाम सारे धर्मों के लिए है। अगर पीपल के अंदर उनको ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है तो आप ज़बरदस्ती लॉ बनाएंगे क्या? तो सबसे पहली चीज़ ये देखनी है कि कई हज़ार साल से ये चीज़ चली आ रही है और उसकी बेसिस पे लोगों के अलग अलग मजहब हैं। वैसे प्रधानमंत्री मोदी ने यूसीसी पर आज जो कुछ बोला वो बात बीजेपी की ओर से पहली बार नहीं कही गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की एक राजनीतिक यात्रा है। 1980 में बीजेपी की स्थापना से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड एक मुद्दा रहा है। बीजेपी ने हमेशा यूसीसी को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। 1989 के लोकसभा चुनाव में ये बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना था। 1998 से 2004 तक सत्ता में रहने पर भी बीजेपी इसे लागू नहीं कर पाई। 2014 में फिर से बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत के बाद भी अब तक लागू इसे नहीं करा पाई। कई बीजेपी शासित राज्यों ने यूसीसी पर कमेटी बनाने का ऐलान किया। आज पीएम मोदी ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कई बार जोर दे चुका है। अलग अलग समय पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा वो सुनिए। साल 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूसीसी नागरिकों के शांतिपूर्ण तरीके से मिलकर रहने का ताकतवर हथियार है। साल 2000 अगर हम इसी तरीके से बात करें 15 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक बड़ा बयान दिया और कहा कि यह असमंजस की स्थिति है, यूसीसी लागू क्यों नहीं किया जा सकता। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कोशिश नहीं हुई। आजादी के बाद जब संविधान सभा का निर्माण हुआ था तो संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में भी लिखा गया कि भारत में एक देश एक कानून को लागू करने की सरकार प्रयास करेगी, लेकिन इसके बाद कई राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति की कमी की वजह से आज तक यूसीसी लागू नहीं हो सका। हालांकि ऐसा भी नहीं कि इतने सालों में यूसीसी पर सिर्फ बयानबाजी ही हुई, इस पर कई राज्यों में एक्शन भी हो रहा है। जैसे गोवा को
में अगर हम देखें तो यूसीसी पहले से लागू है। गुजरात में यूसीसी पर कमेटी गठन की बात हो रही है। उत्तराखंड में यूसीसी पर कमेटी गठित कर दी गई है। मध्य प्रदेश में कमेटी गठन का ऐलान हो चुका है। कर्नाटक में यूसीसी लागू करने की चर्चा हो रही है। और अब बात प्रधानमंत्री मोदी के बयान के दूसरे कीवर्ड की, जो है पसमांदा मुस्लिम। सबसे पहले सुनिए आज पीएम मोदी ने देश के पसमांदा मुसलमानों को लेकर क्या कहा, फिर इस पर आपको सत्ता की दिलचस्प कुंजी दिखाएंगे। जो हमारे पसमांदा मुसलमान भाई बहन है, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमांदा मुसलमान भाई बहन है उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमांदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसको ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमांदा मुसलमान है उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता, उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। तो आज हमने पसमांदा मुसलमानों पर रिसर्च शुरू की, तो एक दिलचस्प तथ्य हमें मिला। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जिस पसमांदा की बात कर रहे हैं वो एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है जो पीछे रह गए। यानी पसमांदा मुस्लिम वो मुसलमान है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। देश की कुल मुस्लिम आबादी में करीब 80-85% पसमांदा मुसलमान है और करीब 15% मुसलमानों की आबादी ही ऊंची जाति से है। दलित और बैकवर्ड मुस्लिम भी पसमांदा वर्ग में ही आते हैं। हालांकि भले ही मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग पसमांदा समाज से रहा हो, फिर भी उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी और हैसियत बेहद कम रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1947 से लेकर 14वीं लोकसभा तक भारत में कुल 400 मुस्लिम सांसद बने। इनमें से 340 सांसद उच्च मुस्लिम जाति के थे, जबकि सिर्फ 60 मुस्लिम सांसद पसमांदा समाज से रहे। यानी पार्टियों ने बेशक पसमांदा मुस्लिमों का वोट लिया हो, लेकिन उन्हें राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दी। पसमांदा समाज हमेशा हाशिए पर ही रहा और यही वजह है कि पीएम मोदी बार बार पसमांदा मुसलमानों की अब बात कर रहे हैं। मुसलमानों की बात करने के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के ऊपर परमाणु बमों की तरह बयान बम भी गिराए। पहले पीएम ने करप्शन और घोटाले को लेकर एक एक राजनीतिक दल पर जुबानी तीर चलाए और फिर परिवारवाद के मामले पर एक पार्टी को चुन चुनकर जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले पटना में हुई उस विपक्षी एकता का जिक्र किया जिसमें मोदी हराओ योजना की गारंटी दी गई थी। आज पीएम ने इस गारंटी का भी जवाब दिया। शब्द पॉपुलर किया जा रहा है वो शब्द है गारंटी। ये सारे लोग, ये दल गारंटी है भ्रष्टाचार की। ये गारंटी है लाखों करोड़ रुपयों के घोटालों की। कुछ दिन पहले इनकी एक फोटो ऑफ कार्यक्रम हुआ था। इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के, जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए, उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी।
और अब नजरिया 9। सियासत में संकेतों का बहुत महत्व होता है और प्रधानमंत्री मोदी के तेवर देखकर आज इस बात के साफ संकेत दिखे कि उन्होंने साल 2024 के लिए एजेंडा सेट कर दिया है। जिस तरीके से आज पीएम ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपनी बात कही, उससे सवाल ये कि बीजेपी 24 का चुनावी ताला क्या यूसीसी की चाबी से खोलने की तैयारी कर रही है? क्या 2024 में यूसीसी बीजेपी को लगातार तीसरी बार जीत दिलाने की मास्टर की बन सकता है? क्या यूसीसी वाला दाव विपक्षी एकता पर भारी पड़ेगा? इस पर हमारी नजर लगातार रहेगी। और सत्ता में अगली खबर क्यूआर कोड से जुड़ी हुई है। यह तस्वीर देखिए, क्या आप इस व्यक्ति को पहचानते हैं? शायद नहीं पहचानते होंगे। यह दुनिया का पहला क्यूआर कोड है और इन सज्जन का नाम है मासाहिरो हारा, जिन्हें क्यूआर कोड का पिता महा कहा जाता है। ये जापान के रहने वाले हैं। 1994 में इन्होंने ही क्यूआर कोड का आविष्कार किया था। यह काम इन्होंने जापानी कंपनी डेंसो वेव के लिए किया था, ताकि सामान को ट्रैक किया जा सके। जब इसका आविष्कार हुआ होगा, उस वक्त इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि क्यूआर कोड का इस्तेमाल एक दिन भारत में चुनाव अभियान में एक दूसरे पर वार करने के लिए किया जाएगा। इस बार क्यूआर कोड मध्य प्रदेश में एक बड़ा राजनीतिक टूल बन गया है। मध्य प्रदेश में अगले 5-6 महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी को देखते हुए सूबे में नया संग्राम छिड़ गया है, जिसमें आरोप है, तंज है। मध्य प्रदेश की गलियों में चस्पा पोस्टर हैं और हर पोस्टर पर मौजूद क्यूआर कोड है। कर्नाटक से जो क्यूआर कोड वाली लड़ाई शुरू हुई थी, वो अब मध्य प्रदेश पहुंच चुकी है। ये चुनावी महाभारत का क्यूआर कोड वाला कुरुक्षेत्र है, जिसमें एक तरफ एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं। इस युद्ध के बारे में सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। हाल ही में कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का पोस्टर लगा था, जिसमें कमलनाथ को वांछित नाथ और करप्शन नाथ जैसे नाम देकर तंज कसा गया। इस पोस्टर के सेंटर में कमलनाथ की तस्वीर है। दोनों तरफ क्यूआर कोड के साथ लिखा है, स्कैन करें। नीचे अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे किसान कर्ज माफी के नाम पर घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, गेहूं चावल घोटाला, सीडी और मोबाइल घोटाला का जिक्र है। साथ में रकम भी लिखी गई है। इसका हेडर है, करप्शन नाथ के कांड जाने। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि यह पोस्टर बीजेपी की ओर से लगाए गए। इस आरोप के बाद कांग्रेस ने भी बिना देर किए हुए पलटवार किया। कांग्रेस ने कमलनाथ के पोस्टर्स को हटाकर वहां राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान का पोस्टर लगा दिए, जिसमें क्यूआर कोड के साथ सीएम शिवराज सिंह की तस्वीर छपी हुई है। लिखा है, 50% लाओ, फोन पे काम कराओ। वहीं क्यूआर कोड के नीचे एक्सेप्टेड मामा भी लिखा हुआ था। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से एक और पोस्टर वाला प्रहार भी किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को निशाने पर लिया गया है। पोस्टर का हेडर है, ये कैश राज सरकार का भ्रष्टाचार मॉडल है। ये कांग्रेस की ओर से खुली चुनौती है, क्योंकि इस पोस्टर पर कांग्रेस नेता शहरयार खान की तस्वीर भी छपी हुई है। इसमें शिवराज सिंह चौहान की कार्टून वाली तस्वीर के साथ लिखा है, 50% कैश राज। साथ में कुछ आंकड़ों के हवाले से भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए गए हैं। TV9 संवाददाता उस जगह पहुंचे जहां पोस्टर ये लगे हुए हैं। क्यूआर कोड को स्कैन कर देखें तो क्या मिला, आप भी देख लीजिए। मध्य प्रदेश में इस वक्त कांग्रेस और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर चल रहा है। शुरुआत में हमने देखा कि पीसीसी चीफ कमलनाथ को लेकर पोस्टर लगे और बकायदा एक क्यूआर कोड भी दिया गया, जिसे स्कैन करने पर करप्शन नाथ नाम की वेबसाइट भी खुली थी, जिसमें घोटालों को लेकर आरोप लगाए गए थे। अब दूसरा पोस्टर अगर आप देखें, ये आज ही लगा है और कांग्रेस दफ्तर के बाहर ये पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में बकायदा कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ये हमने ही लगाया है। इसे स्कैन करके देखते हैं, चूंकि लगातार इस चीज़ को लेकर भी कांग्रेस गिरती हुई नज़र आ रही थी। और फिलहाल अगर आप देखें तो ये स्कैन ज़रूर हुआ है और अब देखना है कि इसमें किस तरह की चीज़ें। ये देखिए, अगर आप तस्वीरों में देख पाएँ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी और इस स्कैन के जरिए अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स भी जो है वो बताई गई है कि किस तरह से कथित तौर पर जो है वो घोटाले हुए हैं। तो जैसे जैसे मध्य प्रदेश में चुनाव करीब आ रहे हैं, सियासी गर्मी बढ़ रही है और इसी का नतीजा है कि क्यूआर कोड वाला युद्ध। इस पर 1:55 की हमने एक न्यूज रील भी तैयार की है, इसको भी आप देख लीजिए। We'll be right back.
में चुनावी माहौल है, शंखनाद हो चुका है, अब पोस्टर वॉर भी कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है। हाल ही में हमने देखे थे कि कमलनाथ को लेकर पोस्टर्स लगाए गए थे, उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर, और अब कांग्रेस कार्यालय के बाहर एक और इसी तरह का बड़ा बैनर लगाया गया है जिसमें लिखा है कि यह केशराज सरकार है। पोस्टर के माध्यम से बात बताई जा रही है कि मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के मुखिया ने मध्य प्रदेश की जनता को ठगने के अलावा 50% का केशराज का जो मॉडल है उसको स्थापित करा। जो स्कैनर खोल रहा है वो शिवराज जी की चरित्र और तस्वीर को जाहिर कर रहा है। प्रतिक्रिया स्वरूप श्रीमान कमलनाथ जी और कमलनाथ जी के लोग ये जो कर रहे हैं ये मध्य प्रदेश देख रहा है, दुर्भाग्यजनक है। कमलनाथ जी, दलाली का अड्डा तो आपने वल्लभ भवन को बनाया था, आपके विधायक आपके मंत्री कहते थे कि कितना भ्रष्टाचार है, पैसा ऊपर तक जाता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस प्रकार से गुटबाजी हावी है उस गुटबाजी के चलते भारतीय जनता पार्टी के दूसरे गुट ने दूसरे गुट को बदनाम करने के लिए या उनका विरोध करने के लिए इस प्रकार से वो पोस्टर वार हुआ। कांग्रेस का इसमें कहीं पीछे लेना देना नहीं है। कांग्रेस अपनी हार की खींच को मिटाने के लिए योजनाबद्ध ढंग से हमारी निष्ठावान और ईमानदार सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र करती है। मैं प्रमाण के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस का षड्यंत्र है। तो QR कोड वाली इस लड़ाई को देखकर आपको कर्नाटक का चुनाव जरूर याद आ गया होगा, क्योंकि वहां भी सियासी महाभारत की मुख्य किरदार बीजेपी और कांग्रेस ही थी। वहां भी QR कोड वाली लड़ाई हुई थी। कर्नाटक में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। बेंगलुरु के कई इलाकों में उस वक्त राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की तस्वीरें वाले ऐसे पोस्टर लगाए गए थे जिन पर पेटीएम की तरह पे सीएम लिखा हुआ था। पोस्टर्स में एक QR कोड था जिस पर कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की तस्वीर थी। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में QR कोड वाला कुरुक्षेत्र तैयार है। इस कुरुक्षेत्र में अभी लंबी लड़ाई बाकी है। इस पर हम न्यूज मित्रों को लगातार अपडेट देते रहेंगे। और सत्ता में अब बात करते हैं मौसम के बिगड़े मिजाज की। मानसून के बदले अंदाज ने ऐसा रूप दिखाया कि देश के 25 राज्य अलर्ट मोड पर आ गए। क्या पहाड़, क्या मैदान, हर तरफ बादलों से बर्बादी की बूंदें गिरने की आशंका है। आपको अलग अलग राज्यों से आई एक एक तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन पहले ये देखिए कि कहां कहां अगले कुछ घंटे भारी पड़ने वाले। मौसम विभाग ने जिन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट किया है, इस अलर्ट के दायरे में पूरा देश है। ये अलर्ट पहाड़ से मैदान तक है, गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर तक है, कर्नाटक से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। चिंता की सबसे बड़ी वजह है मानसून की पहली मूसलाधार बारिश के बाद की वो तस्वीरें जो डरा रही। सड़कें समंदर बन चुकी हैं, घर टापू बन चुके हैं, हर तरफ आफत का सैलाब। आपको लग रहा होगा कि कोई ये झरना है, लेकिन ये झरना नहीं है, बल्कि सड़क पर पानी आ रहा है। ऊपर से जो बरसाती नाले हैं उनसे लगातार पानी आ रहा है। आप देखिए कितना मुश्किल है यहाँ पर गाड़ी को चलाना। बादल फटाना जी, लगातार पानी है, दफ्तर है वहाँ से लगातार बारिश है, वो भूस्खलन हो रहा है वहाँ। बहुत बड़ा स्लाइड आने के कारण जो है यहाँ कई यहाँ और दूसरे स्कूल के लिए बहुत खतरा हो गया। यहाँ लगभग 80-90 आदमी थे, जो भवन न होता तो जाने भी चल जाते। ये मेरा घर है, यहाँ पर पूरा मलबा अंदर तक चला गया है, 8 कमरों का मकान है। मंडी में लैंडस्लाइड हुआ, उसके बाद वहीं फंस गए 20 घंटे के लिए हम लोग। पराशर लेक जो कि काफ़ी बड़ा टूरिस्ट स्टेशन है, वहाँ पर जाने का भी अब कोई रास्ता नहीं बचा है। रास्ते पर इसी तरह से मलबा, भारी पत्थर पड़े हैं। मुंबई ट्रैफिक पुलिस, मुंबई पुलिस के जवान भी यहाँ पर तैनात है। आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
सैलाब की तस्वीर नई जरूर है, लेकिन हालात वही हैं जो पिछले कई सालों से आप देखते आ रहे होंगे। हर साल बारिश होती है, फसलें बर्बाद होती हैं, सड़कें पानी में डूब जाती हैं, पूरा जनजीवन ठप हो जाता है। साल भर की कमाई पर चंद घंटों में पानी फिर जाता है, लेकिन समाधान नहीं निकलता है। ऐसा लग रहा है कि इन तस्वीरों को देखना एक वार्षिक आदत बन गई है। वैसे आपको बता दें कि भारत में आने वाली तमाम प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़ सबसे महंगी आपदा है। एनडीएमए की वेबसाइट बताती है कि बाढ़ की वजह से हर साल देश की औसतन 75 लाख हेक्टेयर भूमि प्रभावित होती है। हर साल औसतन 1600 लोगों की मौत हो जाती है। हर 5 साल में कम से कम एक बार भयंकर बाढ़ आती है, और एनडीएमए के अनुसार अगर पिछले 53 वर्षों का औसत निकाला जाए तो बाढ़ के कारण हर साल औसतन 1805 करोड़ का नुकसान होता है। ये बाढ़ से फसलों, मकानों और जन सुविधाओं को होने वाला नुकसान है। रिसर्च के दौरान हमने विदेशी एजेंसियों के आंकड़े भी निकाले। एशियन डेवलपमेंट बैंक के एक रिसर्च के अनुसार भारत में जितनी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनमें से आधी आपदाएं बाढ़ के खाते में दर्ज हैं, और 1990 से अब तक देश को बाढ़ की वजह से कुल मिलाकर 4,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। इसके अलावा इंटरनेशनल डिजास्टर डेटाबेस ने 2018 में बताया था कि 1980 से 2017 के बीच भारत में 278 बाढ़ आई, जिसमें देश के 75 करोड़ लोग प्रभावित हुए और कुल मिलाकर 4,81,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। सरकारी और विदेशी आंकड़ों में अंतर इसलिए है क्योंकि नुकसान को आंकने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि बाढ़ भारत की सबसे बड़ी और वार्षिक आपदा है। भारत हर साल बाढ़ और तूफान वाली त्रासदी झेलता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इससे निपटने के लिए उस तरीके के इंतजाम नहीं किए जाते जो इससे होने वाली तबाही और नुकसान को रोक सकें, देश की जनता के लिए कवच का काम कर सकें। आपको बाढ़ से निपटने का जापानी मॉडल दिखाते हैं, जिससे हिंदुस्तान के हुक्मरानों को सीखना भी चाहिए। जापान की राजधानी टोक्यो को बाढ़ से बचाने के लिए 6.3 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड सुरंग बनाई गई है। पानी निकासी के लिए बनाया गया ये दुनिया का पहला सिस्टम है। सुरंग धसे नहीं, इसके लिए 500 टन के पिलर लगाए गए हैं। सुरंग में इतनी जगह है कि इसमें छोटी नदी समा सकती है। सुरंग में पानी इकट्ठा करने के लिए 70 मीटर ऊंचे 5 टैंक बनाए गए हैं। टैंकों की ऊंचाई इतनी है कि इसमें स्पेस शटल समा सकती है। सुरंग से पानी निकालने के लिए 13,000 हॉर्स पावर की मशीन लगाई गई है। ये मशीन इतनी ताकतवर है कि 200 टन पानी प्रति सेकंड सुरंग से बाहर निकाल सकती है। ये सुरंग बनाने में करीब 14,000 करोड़ रुपए का खर्च आया था। साल 2006 में 13 साल में बनकर ये सुरंग तैयार हुई थी। ओ तो देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, और जाते जाते अपने न्यूज मित्रों से वही न्यूज रिक्वेस्ट कि सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।